सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एंड पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच पुनः एक बार मैं जैसे लीग का मैच अपडेट के साथ मैच रिजल्ट्स लेकर आ रहा हूं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें मैच रिजल्ट्स का, तो बीते कल यानी कि 21 जून को जो मुकाबला हुआ प्रीमियर डिवीजन और सुपर डिवीजन का, इस मुकाबले में कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी, इसके बारे में बताऊंगा। साथ में दोस्तों, आज यानी कि तारीख की बात करें 22 जून है, और 22 जून को मुकाबला किसके किसके बीच होने वाला है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो के आगे तक बने रहे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, बीते कल जो मुकाबला हुआ यानी कि तारीख की बात करें 21 जून को, दो बेहतरीन टीमों के बीच भिड़त हुआ। एक टीम की बात करें नारवा पहाड़ी स्पोर्टिंग क्लब, और एक टीम की बात करें ठक्कर बाबा क्लब। ये जो दो टीम रहा, दोनों टीम बेहतरीन है, लेकिन अगर फुल टाइम स्कोर लाइन की बात करें, मैच परिणाम की बात करें, तो 3-1 हमें देखने को मिला। जी हाँ, नरवा पहाड़ की बात करें तो 3 गोल, और ठक्कर बाबा क्लब की बात करें तो 1 गोल। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार फुल टाइम के स्कोर जो है नरवा पहाड़ के पक्ष पर गया, यानी कि साफ सुथरे लफ्जों पर कहा जाए तो नरवा पहाड़ की टीम जो है 3-1 से ठक्कर बाबा क्लब को पराजित करने के बाद इस मैच को अपने नाम किया। तो इस प्रीमियर डिवीजन के मुकाबले में नरवा पहाड़ की जीत हुई और ठक्कर बाबा क्लब की हार हुई। वहीं दोस्तों, बात करें आज का मुकाबला, अगर आज की डेट की बात करें तो 22 जून है, और मुकाबले में रहेंगे दो बेहतरीन टीमें प्रीमियर डिवीजन का। जी हां, वैसे मेरे थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि भाई मुकाबला जो है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यहां पे टाटा स्टील फिर से एक बार उतरेगी जीत की आस में। वहीं उनकी अपोनेंट टीम की बात करें, अभी एक बेहतरीन टीम है झारखंड एससी है, इनको पराजित करना थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा टाटा स्टील को। रही बात टाटा स्टील को अगर परास्त करना है झारखंड एससी को, तो झारखंड एससी को भी एक बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन मैच आप सबों के लिए, अगर प्लेस की बात करें तो ये मुकाबला आप देख पाएंगे जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3:30 बजे से। ये प्रीमियर डिवीजन का मुकाबला है। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील बनाम झारखंड एससी के बीच मुकाबला होगी आज यानी कि तारीख की बात करें 22 जून को 3:30 बजे से जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। चूँकि अगर बात करें दोस्तों टाटा स्टील का, तो एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बारंबार जीत हासिल करते हुए एक कदम आगे बढ़ रही है जैसे लीग में। अगर गोल मशीन की बात करें, यानी कि दोस्तों विकास नायक टाटा स्टील की ओर से एक बेहतरीन प्रदर्शन रख रहे हैं, साथ में सुनील लोहार एक कमाल के असिस्ट कर रहे हैं, और इसके बावजूद गोल करने में सफल हो रहा टाटा स्टील की टीम, और बारंबार जीत हासिल करते हुए कदम बढ़ाते जा रहे हैं। देखना होगा दोस्तों क्या टाटा स्टील की टीम इस बार जीत हासिल कर पाएगी, या फिर झारखंड एससी जो है टाटा स्टील को मात दे पाएगी। तो आज मुकाबला होगा दोस्तों बेहतरीन मुकाबला प्रीमियर डिवीजन का, टाटा स्टील बनाम झारखंड एससी के बीच जेआरटी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3:30 बजे से। वहीं बात करें दोस्तों, सुपर डिवीजन का मुकाबला होगा गोपाल मैदान पर, आप ये मुकाबला देख पाएंगे 3:30 बजे से। और मुकाबले में होंगे दोनों टीम कौन कौन से, तो चलिए आप सभी को बता दूं, अरुणा स्मृति क्लब बनाम जमशेदपुर बॉयज़ क्लब के बीच ये दोनों टीम भिड़ेगी आज गोपाल मैदान पर। तारीख की बात करें 22 जून है। जी हाँ दोस्तों, 3:30 बजे से ये मुकाबला आप देख पाएंगे, सुपर डिवीजन का मुकाबला अरुणा स्मृति क्लब बनाम जमशेदपुर बॉयज़ क्लब। तो चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।